ओके, सो इन दिस क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जेनेसिस ऑफ फिटनेस। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीज़ किया, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस देखा था, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, देन वी हैव गिवन टू सक्सेसिव स्टिमुलाई, एक के बाद एक दो स्टिमुलस दिया डिफरेंट फेजेस में। नाउ जेनेसिस ऑफ फिटनेस के लिए वॉट विल बी डूइंग, इसकी विल बी रुक जा। सो हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट विल बी इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी को हम लोग को इंक्रीज करना है, एंड वी हैव टू सी की व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज, द प्रिंसिपल इज द सेम कि इफ द मसल इज स्टिमुलेटेड एट हायर फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, सो देयर इज अ सस्टेन टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द टिटनेस। तो इसमें सारी चीज वही रिक्वायरमेंट होता है, बस एक वाइब्रेटिंग वेरिएबल इंटरप्टर चाहिए होता है। ये वाइब्रेटिंग वेरिएबल इंटरप्टर विल बेसिकली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सो अगेन ये प्राइमरी सर्किट है, हियर वी हैव अ न्यू इंस्ट्रूमेंट दैट इज द वाइब्रेटिंग वेरिएबल इंटरप्टर, ये वाली चीज है। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, सो वन बाय वन विल बी ये वाइब्रेटिंग को देखा, ये डिस्टेंस जैसे ज़्यादा रहता है तो इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, जैसे जैसे मेरे को फ्रीक्वेंसी उसका इंक्रीज करना होगा इसको, और मुझे यहाँ पे स्विच कर देना होगा तो और ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, सो पहले हम लोग ने जब ऐसे सेट किया वाइब्रेटिंग इंटरप्टर को, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, हियर वी आर गेटिंग लाइक दिस ग्राफ इज, जो नॉर्मल तो एक सिंपल मसल ट्विच ऐसे जाता है, बट हियर द फ्रीक्वेंसी कम्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके डिस्टेंस को फ्रॉम हियर वी हैव मूव टू हियर, देन वी विल रिकॉर्ड कि हाउ दिस डिस्प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इसका फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रीवियसली जो ग्राफ था इसमें रिलैक्सेशन हो रहा था, फाइन, बट हियर जैसे आपने फ्रीक्वेंसीज को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मिड रिलैक्सेशन तक ही आ पा रहा है, फाइन। नाउ कम्स की फिर और ज़्यादा, जब उसने और ज़्यादा डिस्टेंस को कम किया तो देन वी विल ऑब्जर्व कि हाउ दिस लुक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, अनेबल टू रिलैक्स। पहले तो मिड रिलैक्सेशन तक जा रहा था, हियर यू कैन सी कि मिड रिलैक्सेशन तक जा रहा था, अब जैसे आपने फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ाया तो अब रिलैक्सेशन भी नहीं हो रहा है, देर इज ओनली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हियर द फ्रीक्वेंसी इज मच मोर इंक्रीज्ड, देन विल, अब यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुँच गया। ठीक है, मतलब वाइब्रेटिंग इंटरप्टर को एकदम पीक लेवल पे दे दिया कि अब इस, मतलब दिस इज द एंड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया कि अब यहाँ पे लाइक यू कैन सी कि एक सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है। ठीक है, यू कैन सी देर इज अ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द टिटनेस। तो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग द होल ग्राफ कि ये ग्राफ कैसा दिखता है, एंड वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज द मैकेनिज्म व्हाई दिस अकर्स। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ है, इसका फ्रीक्वेंसी है 5 to 10 हर्ट्ज। ठीक है, फिर उसके बाद 15 to 20 हर्ट्ज में यहाँ देख रहे हो कि मिड रिलैक्सेशन हो रहा है, देन 30 हर्ट्ज में यू कैन सी कि हियर देर इज मिड रिलैक्सेशन बट एक पार्शियल टिटनेस मिल रहा है, एंड देन मोर देन 40 हर्ट्ज जब आप दे रहे हो तो यहाँ पे एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टिटनेस, जहाँ पे एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज बेसिकली पार्शियल टिटनेस, या इसको क्लोनस भी बोलते हैं, एंड दीज टू आर बेसिकली योर ट्रिपे। ठीक है, इसको ट्रिपे बोलते हैं, दिस इज योर बेनिफिशियल इफेक्ट, फाइन। तो इसको हम लोग टिटनेस नहीं बोलेंगे, इसको बेनिफिशियल इफेक्ट या इसको ट्रिपे बोलेंगे। तो इसमें आपको ट्रिपे में क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट 4 जो इंक्रीज हो रहा है, देर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द हाइट। वाई इज दिस अग्री, वाई देर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द हाइट, रीजन, ये बेनिफिशियल इफेक्ट क्यों होता है, ओके, विल बी डिस्कसिंग दिस कि ये कैसे होता है बेनिफिशियल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इंक्रीज मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, इधर पे भी इंक्रीज मिल रहा है बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट एकदम इंक्रीज हो गया, मतलब सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, सो हम लोग पहले ट्रिपे की बात करते हैं, ट्रिपे में यू कैन सी जर्मन वर्ड है फॉर स्टेयरकेस, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपे, ओके। सो ये जो ट्रिपे इफेक्ट होता है, दिस इज द बेनिफिशियल इफेक्ट, दिस इज सीन इन ऑल दिस मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स,
तीनों मसल्स में मिलता है ये. ओके तो इसमें आई विल एक्सप्लेन यू कि ये जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है, ये जो ट्रेपे का ये जो फर्स्ट थ्री जो इंक्रीज हो रहा है हाइट, दिस अकर्स ड्यू टू लाइक थ्री रीजंस. पहला है वही जो समेशन में हमने पढ़ा था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज प्रेजेंट विच इज पम्प्ड आउट बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. दूसरा वाला होता है कि एक के बाद एक जब आप दूसरे वाले को वो करते हो तो देर इज अ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं. ठीक है. तो थर्ड थिंग इज कि देर इज डिक्रीज इन द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी उधर कम होती है. ठीक है. तो दिस इज हाउ योर बेनिफिशियल इफेक्ट टेक्स प्लेस. और जो फोर्थ रीजन है इसका, दैट इज मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द लिवर. तो जैसे लाइक आप पहला जब वो किए थे, दूसरा जब जैसे जा रहा है तो एक इनर्शिया ऑफ द रिकॉर्डिंग लिवर भी होता है, तो और ज्यादा उसको इंक्रीज कराएगा हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को. ठीक है. सो देर आर बेसिकली फोर रीजंस, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज इन द टेम्परेचर विच लीड्स टू इंक्रीज इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, थर्ड इज डिक्रीज इन द विस्कोसिटी, एंड द फोर्थ वन इज बेसिकली योर रिकॉर्डिंग ऑफ द इनर्शिया ऑफ द लिवर. ठीक है. फाइन. ओके. तो दिस इज हाउ योर ट्रिपे इफेक्ट इज सीन. अब क्लोनस और टेटनस के बारे में बात करते हैं. ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोनस एंड टेटनस. ठीक है. तो क्लोनस में याद रखना कि यू विल सी सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन. ओके. बट टेटनस में रिलैक्सेशन नहीं होता है, देर इज अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो दिस इज बेसिकली योर इनकम्प्लीट टेटनस, दिस इज योर कम्प्लीट टेटनस. ठीक है. इनकम्प्लीट टेटनस को क्लोनस बोलते हैं. ओके. सो दिस इज योर क्लोनस. अच्छा, टेटनस यू हैव सीन. अच्छा, टेटनस में वॉट इज हैपनिंग, वॉट डू यू थिंक, वॉट इज द फिजियोलॉजी ऑफ टेटनस, क्यों हो रहा है ये, वॉट इज द मेन मैकेनिज्म व्हाई दिस टेटनस इज अकरिंग. कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन देर इज नो रिलैक्सेशन, देर इज अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन. है ना. टेटनस मतलब कि जो गामा मोटर न्यूरॉन से जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स, अभी तो सीएनएस भी सारे लोग पढ़ लिए हैं. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, सो दिस इज माय फिजियोलॉजिकल टेटनस, बिकॉज पोस्चुरल मसल्स होते हैं. आप लोग यहाँ, यू पीपल आर सीटेड हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, ग्रेविटी एंड एंटी ग्रेविटी मसल्स है, ये लोग एक सर्टन पोस्चर को मेंटेन करते हैं. सो माय दीस देर आर फायरिंग ऑफ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स, इसमें एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होता है फायरिंग ऑफ अल्फा मोटर, अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स. ये क्या कर रहा है, दीज आर बेसिकली मेंटेनिंग द टोन ऑफ द मसल. सो दिस इज योर पार्शियल टेटनस. समझ रहे हो, दिस इज योर पार्शियल टेटनस. राइट नाउ यू आर सीटेड, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, दिस इज माई पार्शियल टेटनस. तो एक स्लाइटली पार्शियल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन मसल में मेरे फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट है, तो उसको हम पार्शियल या फिजियोलॉजिकल टेटनस बोलते हैं. बट अगर कोई पैथोलॉजिकल टेटनेस होता है जिसमें सिर्फ एक सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन है बट रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, वो न्यूरॉन्स में जाके जो लाइक जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जाके दे बेसिकली डैमेज, वो जो टॉक्सिन होता है टेटनस टॉक्सिन का, वो जाके डैमेज कर देता है, जिसके वजह से देर इज अ इंक्रीज इन द डिस्चार्ज ऑफ द अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स, जिसके वजह से आपको रिलैक्सेशन नहीं होता है, देर इज अ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन. तो टेटनेस वाले पेशेंट को देखा किसी ने बुक्स वगैरह में, ये सब देखा है, नहीं देखा है? ओके, आई विल शो यू द इमेजेस. सो फिजियोलॉजिकल टेटनेस अगर आप देखोगे तो दिस इज योर पोस्चुरल मसल्स. राइट नाउ लाइक यू पीपल आर स्टैंडिंग, तो बैक मसल, फ्रंट मसल्स, ये सब नेक मसल्स, दिस ऑल आर लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग हियर. सो दिस इज योर ये पोस्चुरल मसल्स, इसको फिजियोलॉजिकल टेटनेस बोलेंगे. ठीक है. तो मसल टोन एंड पोस्चर ये पढ़ लेना सीएनएस में, नॉट इन डिटेल लाइक, बट ये चीज यू मस्ट बी नोइंग द टर्म्स, व्हाट इज टोन, व्हाट इज पोस्चर. ठीक है. एंड दिस इज योर मेन पैथोलॉजिकल टेटनेस. तो ये जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जो होता है, टेटनस लाइक ये जो टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, दिस गोज एंड एक्ट्स ऑन द मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स में जाके वो जो डिस्चार्ज होता है अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन का, जो बेसिकली टोन को हल्का मेंटेन करता है, उसमें जाके इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, सो दैट टोनिसिटी बेसिकली इंक्रीजेस. ठीक है. सो ऑफिस टू टोनस, दिस इज हाउ द बॉडी पोस्चर लुक्स लाइक टेटनस का. वो पूरा उसका टोनिसिटी इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उसमें क्या मिलेगा, रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी, क्या मिलेगा भाई लोग उसमें. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क बाय द वे, ये देख लेना. उसमें इतना ज़्यादा मोटर न्यूरॉन से डिस्चार्ज इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि योर बॉडी बेसिकली लुक्स लाइक दिस.
ओके, वो सारे आपको लाइक देर विल बी अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, पूरे बॉडी का देर विल बी अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, फाइन, बिकॉज द मोटर न्यूरॉन्स इंक्रीजेस. तो इसीलिए वो बताया जाता है कि यू हैव टू टेक दिस 12 आवर्स के अंदर, सम बुक्स से 24 आवर्स के अंदर टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन ले लेना चाहिए. एंड ये फ्यू पीपल आर लाइक यू हैव टेकन टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन 5 साल पहले या 10 साल पहले भी लिया रहेगा, दैट्स इनफ. सम रिसर्चेस सेज दैट 15 ईयर्स तक भी उसका वैलिडिटी रहता है, 15 ईयर्स तक भी टेटनस टॉक्साइड काम करता है, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेटनस. सो रिमेंबर दैट देर इज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्ड याद रखना, एंड देर इज नो रिलैक्सेशन. जब इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस होगा, रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो बॉडी सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, दैट इज टेटनस. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है. सो वी पीपल हैव डिस्कस अबाउट द जेनेसिस ऑफ टेटनस. तो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फटीक. थैंक यू सो मच गाइज़.